आप सबका स्वागत है। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ पर देखिए लाल बटन दबा दीजिए। हम बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस आप लोगों के लिए बनाते रहते हैं और आशा है कि इन स्टॉक से आपको ज़रूर भविष्य में फ़ायदा होगा। बढ़ते हैं आगे की ओर और बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जो कर्ज़ा होता है, कर्ज़ा चाहे इंसान पर हो चाहे किसी कंपनी पर हो, बुरा ही होता है दोस्तों। अब मान लीजिए एग्जांपल के लिए कि आपकी तनख्वाह है 40,000 रुपये या आप बिज़नेस करते हैं, आपको कुल मिलाकर 40,000 रुपये बचते हैं। अब 40,000 रुपये मान लीजिए आपने होम लोन ले रखा है, 15,000 उसकी किस्त चली जाती है, बचा 25,000। 25,000 में आपके जो है आपने कार लोन ले रखा है 7-8 हज़ार का, तो समझिए 17-18 हज़ार रुपये। तो 17-18 हज़ार रुपये में फिर आपके क्रेडिट कार्ड्स के बिल और खाने पीने के बिल भी, बाहर घूमने उमने का सब, तेल पानी गाड़ी के पेट्रोल वगैरह कुछ भी नहीं बचने वाला। तो आप पे कौन भरोसा करे, किसी से आप पैसा भी मांगे, भैया हमारी 40,000 रुपये तनख्वाह है और कर्ज़ा हम पे ज़्यादा है, जिस कर्जे की EMI भरते भरते या कर्ज़ा का इंटरेस्ट भरते भरते ही 40,000 उड़ जाता है, तो फिर प्रॉफिट तो कुछ बचता ही नहीं, तो आपके खाते में कुछ बचते ही नहीं। तो जब बचेगा नहीं तो आपके पास अमाउंट कैसे खड़ी होगी इकट्ठी। तो इसलिए कर्ज़ा बुरा होता है। मैं भी एक्चुअली फंस गया था, क्रेडिट कार्ड शुरू में यूज़ कर रहा था, पता नहीं चला, धीरे धीरे बहुत आउटस्टैंडिंग खड़ा हो जाता था और कर्ज़ा खत्म ही नहीं हो रहा था। एनीवेज मुद्दे से भटक रहे, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं भारती एयरटेल लिमिटेड की और आज है 18 मार्च, समय हो रहा है 1:21 और जो आज का स्टॉक प्राइस है सॉरी 333 रुपये पे ट्रेड कर रहा है और 4 रुपये के डाउन साइड पे है। और देखिए 52 वीक लो इसने बनाया था 276 रुपये, हाई था 427 रुपये का। डिविडेंड पेइंग स्टॉक है ये, देखिए डिविडेंड देता है। अभी इसने पे किया 30 जनवरी 2018 को, अब इस साल भी ऐसे यहाँ पे भी देखिए पे किया था इसने, तो हर साल ये डिविडेंड पे करता है, बहुत अच्छी बात है। सेंटीमीटर में कह रहे 58% के लोग बाई कर लीजिए, 33% कह रहे हैं सेल कर दीजिए और 9% कह रहे हैं होल्ड। तो जो 58% कह रहे हैं बाई, 33% कह रहे हैं बेच दो, 9% कह रहे हैं होल्ड, हम आगे देखेंगे कि क्या ये बातें लागू होती हैं जो कह रहे हैं। अब देखिए इसकी जो प्राइस है, इसका प्राइस 332 रुपये जो आज का भाव चल रहा है जिस पर ट्रेड हो रहा है, और उस हिसाब से एक शेयर की कीमत 332 रुपये है और अर्निंग पर शेयर मतलब एक शेयर पे इसको 96 पैसे कमाई है, तो मतलब कमाई तो बहुत कम, EPS तो बहुत ही कम। मार्केट कैप है इसका 1,33,513 करोड़ का, लार्ज कैप कंपनी है। और पी देखो 347 रुपये का है, पी तो काफ़ी ज़्यादा है। और इंडस्ट्री की पी, हालांकि लोग इंडस्ट्री की पी भी 307 है, 307 से भी ज़्यादा है अपनी इंडस्ट्री पीयर इंडस्ट्रीज़ में। बुक वैल्यू 196 की और प्राइस टू बुक है 1.70 की, डिविडेंड यील्ड से 1.60 और फेस वैल्यू इसकी 5 की है और डिलीवरेबल है 38.58%। अब हम इस पर कुछ चीज़ें देखेंगे। अभी हम यहाँ पे देखें नेट सेल्स इसकी जो है दिसंबर 18 में 12,314 करोड़, यानी कि मार्च 18 से थोड़ी सी यहाँ पे डाउन साइड है कि देखिए मार्च 18 में आई थी 12,488 और यहाँ पे 12,314 किया, तो क्वार्टरली में थोड़ा सा यहाँ पे डाउन है। नेट प्रॉफिट में भी अच्छा, यहाँ पे -760 और यहाँ पे 227 करोड़ की नेट प्रॉफिट में। और यहाँ पे हम जब चलते हैं टोटल डेट, कर्ज़ा जो है 62,536 करोड़ का है इन पे, और प्रॉफिट कितना होता है इनको देख लीजिए। तो कर्ज़ा इतना ज़्यादा है कि इसका जो इंटरेस्ट ही आता होगा तो बहुत ज़्यादा आता होगा। तो इन कंपनियों पे, जिन कंपनियों पे कर्ज़ा बहुत है तो उनके रिटर्न्स भी वैसे ही होते हैं, क्योंकि जब पैसा, जब कंपनी कोई कमाती है और जो प्रॉफिट में कंपनी आएगी तो उस प्रॉफिट को ही तो आप में शेयर करेगी, तब उसका प्रीमियम भागेगा भाई। भाई कंपनी अगर प्रॉफिट में आएगी तो डिविडेंड पे करेगी, बोनस देगी आपको और उसका प्रीमियम अच्छा खासा भागेगा, या मतलब हर साल उसका रिटर्न अच्छा मिलेगा, आपके आपके शेयर में टिकी रहेगी। तो इसमें कर्ज़ा, फिर भी हम इसके रिटर्न्स देखते हैं। चलिए देखिए 10 सालों में इसने 16% करीब 17% के आसपास रिटर्न दिया है और सेंसेक्स ने दिया है 323% का रिटर्न।
10 सालों में अगर मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए डाले थे, तो आपके 1,16,000 कुछ रुपए हो जाते हैं। 5 सालों में 12% का रिटर्न है। अगर भारती एयरटेल में आपने पैसे लगाए हैं और यहाँ पे 12% का, 3 सालों में इसने 3% का नेगेटिव है, 1 साल में 20% का नेगेटिव, ईयर टिल डेट में 6-6.5% के अप है, और 1 मंथ में 10% का यहाँ पे जो है थोड़ा सा बाउंस बैक है, अच्छी बात है। 1 वीक में भी 0% है। सॉरी, अब इंडस्ट्री पी डिविडेंड टिल डेट इक्विटी, डेट इक्विटी देखो 100 कम होना चाहिए, जो कि 1 से बहुत ज़्यादा है, तो हम देख ही चुके हैं डेट कितना था इन पे है। और नेट सेल्स में 86 करोड़ के लगभग डाउन साइड है इस क्वार्टर में जो आए हैं, हमने देखा ही नेट सेल्स है। अब टेलीकॉम प्रोवाइडर कंपनी है भारती एयरटेल, एयरटेल एवरेज क्वालिटी कंपनी है, और वैल्यूएशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव दिखा रहे हैं, मतलब जो शेयर का जो प्राइस है वो काफ़ी अर्निंग के हिसाब से बहुत महंगा है। देखिए रिटर्न ऑन इक्विटी कितना कम है, 2.40, ROCE है 3.86 का, पी तो आप देख ही चुके। फाइनेंशियल ट्रेंड भी नेगेटिव में है और स्कोर इज 11, और यहाँ पे भी हम नेट सेल्स देख ही चुके हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी देखिए यहाँ पे 0.09 की नेगेटिव में है, तो सारा चीज़ नेगेटिव में दिख रहा है। और ये देखिए प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है 67.14%, ये ज़बरदस्त है, और एक भी शेयर अभी गिर भी नहीं, ये भी बहुत अच्छी बात है। तो हमने 10 सालों के इनके रिटर्न देखे, तो जो म्यूचुअल फंड्स की जो स्कीमें हैं, देखिए मैं किसी कंपनी के अगेंस्ट में नहीं हूँ, मुझे मैं तो वही आपको बता रहा हूँ जो मुझे डाटा दिख रहे हैं और आपको भी सामने दिखाई दे रहे हैं, आप चाहे वो BSE की साइट हो, चाहे वो मनी कंट्रोल की हो, चाहे investing.com की हो, चाहे स्क्रीनर की हो, चाहे इसकी हो, सब में अलग अलग अपडेट है, तो मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहा। तो हेल्ड इन 32 स्कीम्स 8.61% की यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स की स्कीम में पैसे लगा रहे हैं, 602 FIIs ने, बाप रे, भर रखा है इन लोगों ने, तो अच्छी बात है अगर फॉरनर्स हमारे इंडियन कंपनी में पैसे लगा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और भारती टेलीकॉम लिमिटेड जो हाईएस्ट शेयर होल्डिंग है, और यहाँ पे देखिए लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने भी 3.73%, 4% करीब की जो है इन्होंने होल्डिंग बना रखी है। LIC आपको तो पता ही है, आपने भी पॉलिसी ले रखी होगी है ना, तो आपका पैसा भी यहाँ लगा हुआ है, मेहनत का पैसा। और इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स जो हैं 0.82%, और यहाँ पे नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं 1.81% की यहाँ पे इंक्रीज़ हुई है। तो इंश्योरेंस कंपनीज ने थोड़ी सी डिक्रीज़ की हुई है, म्यूचुअल फंड्स ने जो है इंक्रीज़ की हुई है, और FIIs ने भी थोड़ी सी डिक्रीज़ की हुई है। चलिए अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस हिसाब से भारतीय एयरटेल के 10 सालों के रिटर्न्स रहे हैं, और जब से जियो आया, स्पेशली जब से जियो आया तब से इन टेलीकॉम कंपनी में बहुत ज़्यादा मार पड़ी है, और मोस्टली सभी घाटे में ही चली गई, कुछ तो बंद करके चली गई। एयरटेल भी इंडियन कंपनी है और लगी हुई है, और बहुत अच्छी बात है। हम तो चाहते हैं कि हर कंपनी ग्रोथ करे, हर कंपनी अच्छा रिटर्न दे, है ना, सारे इन्वेस्टर्स को अच्छा लाभ मिले। बट इस बीच में भी हमें ये भी देखना पड़ेगा कि इस पे कितना कर्ज़ा है, और अगर कर्ज़े वाली कंपनियां हैं तो उन पे लॉस आप ना उठाएं, आपकी मेहनत का पैसा है, अगर आप लगाते हैं 10 सालों में, एटलीस्ट 10 सालों में 3 गुना 4 गुना तो हो जाए एटलीस्ट, है ना, क्योंकि फिक्स डिपॉजिट में भी डालेंगे तो भी 10 सालों में कई गुना हो जाता है उसका चक्रवृद्धि ब्याज, जो कंपाउंडिंग रिटर्न है वो भी अच्छा मिल जाता है। दोस्तों भारतीय एयरटेल लिमिटेड एशियाज लीडिंग इंटीग्रेटेड टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइडर एंड ऑपरेशंस इन इंडिया एंड श्रीलंका, भारतीय एयरटेल हैज बीन एट द फोरफ्रंट ऑफ द टेलीकॉम रेवोल्यूशन एंड हैज ट्रांसफॉर्म द सेक्टर विद इट्स वर्ल्ड क्लास सर्विसेज बिल्ट इन लीडिंग एज टेक्नोलॉजीज। द बिजनेसेस एट भारतीय एयरटेल हैव बीन स्ट्रक्चर्ड इनटू 3 इंडिविजुअल स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स, SBUs, मोबाइल सर्विसेज, एयरटेल टेलीमीडिया सर्विसेज एंड एंटरप्राइज सर्विसेज। द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफर्ड बाई द कंपनी, देखिए मोबाइल सर्विस अफ्रीका से भी इनको 22% की आय है, और मोबाइल सर्विस यहाँ से इंडिया में 50.58% की यहाँ पे आया, एयरटेल बिजनेस 12.4% से, और अपनी इंडस्ट्री में ये नंबर 1 की कंपनी। डिविडेंड देती है 2.5 रुपये पर शेयर का डिविडेंड इन्होंने 2 अगस्त 2018 को दिया था, और हर साल पे करती है। दोस्तों आशा है कि आपको ज़रूर वीडियो पसंद आया होगा, और हम आगे इसी तरह अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपके लिए लाते रहेंगे, और थैंक्स आप हमारे साथ बने रहें। हाँ, लेकिन मैं एक डिस्क्लेमर ज़रूर देना चाहूँ कि अगर आप कोई स्टॉक लेना चाहते हैं
तो ज़रूर है, आपको हम पूरा एनालाइज करके बताते हैं, लेकिन फिर भी आप अपने एक्सपर्ट से या खुद की रिसर्च से आप ज़रूर मशवरा करें अपने एक्सपर्ट से लेने से पहले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।